जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं अध्ययन केंद्र। इस वीडियो के माध्यम से अभी हम पढ़ रहे हैं लुसेंट ऑब्जेक्टिव का बुक, जिसमें हमारा चल रहा है इकोनॉमिक्स मीन्स भारतीय अर्थव्यवस्था। और आज हम पढ़ेंगे 13वां एक्सरसाइज विविध मीन्स मिसलेनियस। अगर आप लोग मैथ भी पढ़ना चाहते हैं तो आप लोगों को सर्च करना होगा यूट्यूब पर अध्ययन केंद्र मैथ, यानी तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। अभी अब सगीर अहमद का मैथ चल रहा है, चलो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक है एडम स्मिथ। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? एडम स्मिथ, ऑप्शन नंबर ए। प्लानिंग एंड द पुअर, प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक कौन है? ये है बी एस मिन्हास, बी एस मिन्हास, प्लानिंग एंड द पुअर। इंडिया इज़ फॉर सेल नामक पुस्तक इनके द्वारा लिखा गया, इंडिया इज़ फॉर सेल ये लिखा गया चित्रा सुब्रमण्यम के द्वारा, चित्रा सुब्रमण्यम, इंडिया इज़ फॉर सेल। इस सबको फिर से रिपीट कर लो, वेल्थ ऑफ नेशन एडम स्मिथ, प्लानिंग एंड द पुअर बी एस मिन्हास, और इंडिया इज़ फॉर सेल चित्रा सुब्रमण्यम। पॉलिटिक्स ऑफ चरखा नामक पुस्तक किनके द्वारा लिखा गया? पॉलिटिक्स ऑफ चरखा जेवी कृपलानी, जेवी कृपलानी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी, पॉलिटिक्स ऑफ चरखा जेवी कृपलानी। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया दादा भाई नेहरू जी के द्वारा, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया दादा भाई नेहरू जी के द्वारा। भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था पुस्तक के लेखक कौन है? भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था पुस्तक के लेखक कौन है? सर एम विश्वसरैया, सर एम विश्वसरैया, आंसर है ऑप्शन नंबर बी। फ्री ट्रेड टूडे, फ्री ट्रेड टूडे पुस्तक के लेखक कौन है? जगदीश भगवती, जगदीश भगवती। एशियन ड्रामा पुस्तक के लेखक कौन है? एशियन ड्रामा पुस्तक के लेखक है गुन्नार मिलाल्ड, गुन्नार मिलाल्ड, ऑप्शन नंबर सी। दास कैपिटल किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है, मतलब दास कैपिटल किनके द्वारा लिखा गया है? कार्ल मार्क्स के द्वारा, कार्ल मार्क्स के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, ये पूरा इकोनॉमिक्स जो है उसका PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक आचार्य सेन द्वारा नहीं लिखी गई? तो ये तीन पुस्तक क्या है, आचार्य सेन के द्वारा लिखा गया है, तो इस तीनों को पढ़ लेते हैं। कलेक्टिव चॉइस एंड सोशल वेलफेयर, ऑन इकोनॉमिक एंड इक्वलिटी एंड पॉवर्टी एंड फेमिन्स, ये तीनों किनके द्वारा लिखा गया? अमर्त्य सेन के द्वारा लिखा गया। नोबेल पुरस्कार विजेता प्रथम एशियाई अर्थशास्त्री प्रोफेसर अमर्त्य सेन की लिखित पुस्तक इसमें से कौन सी है? तो कलेक्टिव चॉइस एंड सोशल वेलफेयर अभी पढ़े थे, पॉवर्टी एंड फेमिन्स ये भी पढ़े थे अभी, और इंडिया इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट एंड सोशल अपॉर्चुनिटी, ये तीनों पुस्तक इनके द्वारा लिखा गया था, अमर्त्य सेन के द्वारा, अमर्त्य सेन के द्वारा। वाणिज्य पत्रिका, वाणिज्य का प्रकाशन कहाँ से होता है? वाणिज्य का प्रकाशन कहाँ से होता है? मुंबई से, मुंबई, ऑप्शन नंबर बी। योजना पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा योजना पत्रिका प्रकाशित होती है, आंसर है ऑप्शन नंबर बी। गोल्डन हेडसोक, गोल्डन हेडसोक स्कीम किससे संबंधित है? ये संबंधित है सार्वजनिक उद्यमी से निजी निवेश, सार्वजनिक उद्यमों में निजी निवेश से संबंधित है गोल्डन हेडसोक। किन चार देशों में एशियाई टाइगर कहा जाता है? किन चार देशों को एशियाई टाइगर कहा जाता है? तो हांगकांग, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया और ताइवान, इन चार देशों को एशियन टाइगर कहा जाता है, हांगकांग, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया और ताइवान। फिर से रिपीट कर लो, हांगकांग, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया और ताइवान को एशियन टाइगर कहा जाता है, क्योंकि ये सब बिजनेस में अग्रणी है। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किससे संबंधित है? अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार, अच्छा, किसने स्थापित किया है, संबंधित किससे होगा? अर्थशास्त्र से ही होगा। किसने स्थापित किया है, तो क्या है? स्वीडिश का सेंट्रल बैंक, स्वीडिश का सेंट्रल बैंक, आंसर है बी। द फ्यूचर ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? द फ्यूचर ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक हैं बीमल जलान, बीमल जलान, ये पहले RBI के गवर्नर भी थे। भारत में सबसे पहले किस राज्य में मूल्यवर्धित यानी VAT जो है वैल्यू एडेड टैक्स लागू किया गया? ये सबसे पहला राज्य था हरियाणा, हरियाणा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ सही होगा। निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है? तो एडम स्मिथ को, एडम स्मिथ को। माध्यान्ह भोजन योजना संबंधित नहीं है, मतलब इसमें से किससे माध्यान्ह भोजन योजना संबंधित नहीं है? तो भोजन के अधिकार से संबंधित नहीं है, जबकि शैक्षिक उन्नति, सामाजिक समानता और शिशु पोषण से संबंधित है माध्यान्ह भोजन योजना। मार्डवेट संबंधित है, मार्डवेट किससे संबंधित है?
मूल्य वर्धित कर से ऑप्शन नंबर बी। आधार का कार्यक्रम है, आधार एक कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम है आधार कार्ड जिसको हम लोग कहते हैं, भारतीय नागरिकों को पहचान उपलब्ध कराने के लिए, भारतीय नागरिकों को पहचान उपलब्ध कराने के लिए। भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब लागू किया गया, भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब लागू किया गया, 1948 में, 1948 ऑप्शन नंबर बी। इंदिरा आवास योजना किन देशों को आवास में सहायता देने वाली योजना है, इंदिरा आवास योजना किन देशों को आवास में सहायता देने वाली योजना है, आंसर बनेगा आपका गरीब ग्रामीण को आवास, गरीब ग्रामीण जो है यूपीएल में आता है उसको क्या मिलता है, इंदिरा आवास योजना, अब उसको प्रधानमंत्री आवास योजना कहा जाता है। संगम योजना संबंधित है, संगम योजना संबंधित है ग्रामीण क्षेत्रों में विकलांगों से, ग्रामीण क्षेत्रों में विकलांगों से, विकलांग को अब दिव्यांग कहा जाता है। ट्रिप्स और ट्रिम्स पद संबंधित है, ट्रिप्स और ट्रिम्स पद संबंधित है WTO से, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से। कार्ल मार्क्स निम्नलिखित में से किस देश के थे, कार्ल मार्क्स का संबंध जर्मनी से था, जर्मनी। कार्ल मार्क्स की पुस्तक दास कैपिटल कब प्रकाशित हुई थी, 1867 में, 1867। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन योजना के अंतर्गत 60 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्तियों के लिए पेंशन की राशि प्रति माह 200 रुपये से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है, अब मिल रहा है 500 रुपया, 500 रुपया आंसर है सी। भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस कल्याण योजना का आरंभ किया है, मध्यान्ह भोजन योजना, मध्यान्ह भोजन योजना आंसर है ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सी योजना भारत सरकार द्वारा आरंभ नहीं की गई है, यहाँ पे वृद्धावस्था पेंशन योजना, कुटीर ज्योति योजना और भारत निर्माण योजना, ये तीनों प्रारंभ किया गया है जबकि जीवन तरंग योजना प्रारंभ नहीं किया गया, आंसर बनेगा डी। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण अधिनियम के अंतर्गत कार्यरत कामगारों की मजदूरी अब डैश आधारित हो गई है, यह है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित है, आंसर है डी। भारत में समतल प्रदेशों में स्थित ग्राम प्रधानमंत्री, फिर से रिपीट करते हैं इसको, भारत में समतल प्रदेश में स्थित गांव प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत आते हैं यदि उस गांव की जनसंख्या डैश से अधिक है, अगर उसकी जनसंख्या 1000 से अधिक है तो वो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत वो गांव क्या होगा, आएगा, आंसर है 1000 से अधिक आबादी। भारत में शहरों को गंदी बस्ती रहित बनाने के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की गई है ताकि गांव क्या हो, गंदा ना रहे, साफ रहे, उसके लिए राजीव आवास योजना, राजीव आवास योजना आंसर है सी। नियमित रूप से स्कूल जाने हेतु बच्चों को प्रेरित करने के लिए भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा योजना प्रारंभ किया है, तो मध्यान्ह भोजन योजना, मध्यान्ह भोजन योजना। देश के सभी जिलों में कार्यान्वित किया जा रहा कार्यक्रम इसमें से कौन सा है, जो सब देशों में हो रहा है, तो सर्व शिक्षा योजना, सर्व शिक्षा योजना आंसर है यहाँ पे सी। पूरा एक योजना है जिसका फुल फॉर्म है प्रोवाइडिंग अर्बन एमिनिटीज इन रूरल एरिया, मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में भी शहर में जो सुविधा उपलब्ध है वो ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध करवाया जाएगा। इस पे अपना प्रस्तुति किसने प्रस्तुत किया था, तो APJ अब्दुल कलाम, क्योंकि उन्होंने ये कहा था कि शहर का विकास कब होगा, जब गाँव का विकास होगा। सौभाग्य भारत संबंधित है, सौभाग्य भारत किससे संबंधित है, गरीबी रेखा से नीचे परिवार को मुफ्त बिजली प्रावधान करवाना, यह है सौभाग्य योजना, सौभाग्य योजना। मेक इन इंडिया कार्यक्रम का लोगो क्या है, आसान सा प्रश्न है, शेर है, शेर। निम्नलिखित में से कौन भारत निर्माण का अंग नहीं है, भारत निर्माण का अंग इसमें कृषि आधारित उद्योग नहीं है, जबकि ग्राम आवास, ग्रामीण विद्युतीकरण और ग्रामीण टेलीफोन, ये सब क्या है, भारत निर्माण का अंग है। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना कब प्रारंभ किया गया, 2009-10 में, 2009-10 में आंसर है ऑप्शन नंबर ए। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब शुरू किया गया, ये शुरू किया गया अप्रैल 2010 में, अप्रैल 2010 ऑप्शन नंबर सी। 1 करोड़ से अधिक युवाओं को कौशल प्रशिक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार ने किस योजना को से स्वीकृति प्रदान की है, आंसर है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। तो टोटल 43 प्रश्न थे, उम्मीद करते हैं यहाँ से कुछ सीखने का मौका मिला होगा, ये सारे कंप्लीट हुए। सेशन अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।